हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। 1979 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ एक स्ट्रॉन्ग टीम बनकर सामने आई थी। क्या 75 के बाद 79 वेस्ट इंडीज़ ने जो वर्ल्ड कप जीता उस पर तो हम बात करेंगे, प्लस में हम ग्रुप स्टेजेस की बात करेंगे। 79 वर्ल्ड कप में क्या डिफरेंट देखने को मिला, कौन सी नई टीमें आई और काफ़ी कुछ आपको यहाँ जानने को मिलने वाला है। अगर आप ये चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। 1979 जो वर्ल्ड कप था वो आधिकारिक तौर पर प्रोडक्शन कप 79 कहा जाता है। क्रिकेट विश्व कप का यह दूसरा एडिशन था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन द्वारा यह 9 जून से लेकर 23 जून तक खेला गया, जो कि इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज कराया गया था। टूर्नामेंट में आपकी इस बार 8 टीम थी, जो कि 4-4 टीमों के दो ग्रुप डिवाइड कर दिए यहाँ पर। और यहाँ पर दो टीमें एसोसिएट टीमें बन के आई थी, एक आपकी श्रीलंका थी और एक टीम कनाडा थी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टीम लग रही थी। बट क्या वो कुछ कर पाई यह देखने का यहाँ पर मौका था। तो यहाँ पर आपको पता है हर टीम दूसरी टीम के खिलाफ एक मैचेस खेलेगी अपने ग्रुप में। 1979 के टूर्नामेंट में विश्व कप में पहला क्वालिफायर देखा गया। 79 ICC ट्रॉफी मई के अंत और जून की शुरुआत में इंग्लिश मिडलैंड्स के अलग अलग मैदानों पर ऑर्गेनाइज कराई गई, जिसमें दो फाइनलिस्ट विश्व कप के लिए क्वालिफाई हुए, जहां वे उन 6 टेस्ट देशों में शामिल हो गए जो क्वालिफाई हुए थे वर्ल्ड कप के लिए। 1979 वर्ल्ड कप में आपके दो ग्रुप थे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में जो टीमें थी वो थी आपकी इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। और ग्रुप बी में जो टीम थी वो थी वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और इंडिया। ग्रुप ए की तरफ से अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर इंग्लैंड ने इस ग्रुप को टॉप किया। उन्होंने अपने तीनों मुकाबले बहुत डोमिनेशन तरीके से जीते और अपनी सेमीफाइनल के टिकट पक्की करी। उसके बाद जो दूसरी टीम थी जिसने क्वालिफाई किया वो थी पाकिस्तान की टीम, जिन्होंने 3 में से 2 मुकाबले जीते और इनकी टीम के जो बल्लेबाज थे वो काफ़ी दमदार परफॉर्म कर रहे थे। और इस ग्रुप में जो तीसरे नंबर पर टीम थी वो ऑस्ट्रेलिया थी। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर जिताया मैच हारे, यहाँ पर उन्होंने 3 में से सिर्फ 1 जीता और 2 मुकाबले हारे, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया इस बार सेमीफाइनल पहुंचने के लिए काफ़ी उनको मुश्किल हुई। देन यहाँ पर जो चौथे नंबर की टीम थी कनाडा थी। कनाडा की टीम अपने 3 मुकाबले हारकर इस ग्रुप में एंड में ही रही थी। और ग्रुप बी की अगर हम बात करें तो उसमें वेस्ट इंडीज़ की टीम ने टॉप किया था। उन्होंने अपने 3 मुकाबलों में से 2 जीते थे और एक बारिश की चपेट में आ गया था, बट फिर भी वेस्ट इंडीज़ की टीम यहाँ पर आसानी से क्वालिफाई कर गई। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने आपके यहाँ पर 3 मैच खेले, उनमें से 2 जीती और एक मुकाबला यहाँ पर वो वेस्ट इंडीज़ से हारी थी। देन आपकी श्रीलंका की टीम 1 मैच जीती, 1 हारी और 1 मैच का कोई रिजल्ट ही नहीं रहा। देन इंडिया की टीम थी, उन्होंने 3 के 3 मुकाबले हारे और टीम इंडिया के लिए ये वर्ल्ड कप बहुत ही ज़्यादा खराब था। और क्योंकि आपको पता है 79 वर्ल्ड कप टीम इंडिया ने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, ना ही बल्लेबाजी में ना गेंदबाजी में। 79 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी प्लेयर्स के लिए और फील्डिंग भी टीम इंडिया की अच्छे से नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे अब हम आते हैं कि सेमीफाइनल में, कि सेमीफाइनल में कौन से ऐसी टीमें हैं जिन्होंने खेला और उनके बीच कैसे परफॉर्मेंस रहे। सेमीफाइनल में आपकी पहला मुकाबला इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में था। जो दूसरा मुकाबला था वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान के बीच में था। इनको हम बारीकी से जानेंगे कि कैसे रहे सेमीफाइनल के मुकाबले। पहले सेमीफाइनल में आपके इंग्लैंड ने बाजी मार ली, न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला लिया। इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही और 38 रन पर 2 विकेट खो दिए। इससे पहले माइक ग्रेली ने 115 गेंदों पर 53 रन बनाए और ग्राहम कूच ने 84 गेंदों पर 71 रन बनाए और डेरेक हैंडल 50 गेंदों पर उन्होंने 42 रन बनाए। इनिंग्स के सेकंड पार्ट में काफ़ी अच्छी बैटिंग की इंग्लैंड के 98 पर 4 से उबर कर 221 रन उन्होंने 8 विकेट पर बना दिए। जवाब में जॉन राइट 137 गेंदों पर 69 रन में शुरुआत में अच्छा आक्रमण किया। विकेटों के नुकसान ने न्यूजीलैंड को मुश्किलों में डाल दिया। बल्लेबाजी क्रम में कई देर के सुधार के बावजूद न्यूजीलैंड पिछड़ने लगा। जब न्यूजीलैंड मैच के आखिरी ओवर में बचे हुए 14 रन हासिल नहीं कर पाई तो इंग्लैंड फाइनल में पहुंच। गार्डन ग्रीनीज ने 107 गेंदों पर 73 रन, जहां पर उन्होंने 5 छक्के और 1 छक्का लगाया। डेसमंड हेंस ने बल्लेबाजी के डोमिनेशन वाले मैच में पहले विकेट के लिए 132 रन की शानदार पार्टनरशिप लगाई। विवियन रिचर्ड्स और क्लाइव लॉयड ने भी ठोस योगदान दिया, जिससे वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ 293 रन बनाए। जवाब में माजिद खान और जहीर अब्बास से दूसरे विकेट के लिए 36 ओवर में 166 रनों की साझेदारी की। हालांकि कोई भी अन्य पाकिस्तानी बल्लेबाज नहीं चल पाया। जावेद मियादाद पहले ही गेंद पर शून्य पर बोल हो गए। अब्बास के आउट होने से पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। बड़े स्कोर वाले सेमीफाइनल में पाकिस्तान 56 ओवर में 250 रन पर ऑल आउट हो गई, जिससे वेस्टइंडीज़ की टीम फाइनल पहुंच गई। अब बारी थी वेस्टइंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड ने फाइनल में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वेस्ट इंडीज़ की शुरुआत खराब रही। ग्रीनीज, हेंस और कालीचरण और कप्तान क्लाइव जल्द ही लौट गए। 99 पर 4 विकेट गिर गए इनके। विवियन रिचर्ड्स ने 157 गेंदों पर 138 रन ठोके, 11 चौके और 6 छक्के। कॉलिस किंग ने 86 रन बनाए और पारी को काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया। किंग ने विशेष रूप से 130 की स्ट्राइक रेट के साथ अंग्रेजी गेंदबाजों की धजियां उड़ा दी। जब कॉलिस किंग की हार के साथ 139 रन की साझेदारी समाप्त हुई तो वेस्ट इंडीज़
पहले से ही 238 रन पर 5 विकेट खो चुका था। बाद में विविन रिचर्ड्स ने पुछले बल्लेबाजों के साथ वेस्टइंडीज़ को 286 तक पहुंचा दिया और यहां पर इंग्लिश बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन सलामी बल्लेबाज माइक ब्रियरली 130 गेंदों पर 64 रन और जियोफ बॉयकॉट 105 गेंदों पर 57 रन ने बहुत धीमी गति से रन बनाए। उन्होंने 38 ओवर में सिर्फ 129 रनों की बेहद काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन बैटिंग की, बट यहाँ बहुत ज़्यादा स्लो रह गए वो। ऐसे खेलते मानो मैच जो है वो टेस्ट मैच ही लग रहा था एक तरीके से। जब तक दोनों बल्लेबाज आउट हुए तब तक जो जरूरी रन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। ग्राहम गुच ने 32 रन बनाने में कुछ बड़े स्ट्रोक खेले जिससे इंग्लैंड की टीम 183 रन 2 विकेट पर पहुंच गया। हालांकि डेरेक रेंडल की हार से बल्लेबाजों में गिरावट आई जिससे इंग्लैंड ने 11 रन के अंदर अपने आखिरी 8 विकेट खो दिए। 51 ओवर में 194 रन पर ऑल आउट हो गई। विविन रिचर्ड्स को मैन ऑफ द मैच मिला फाइनल में, तो मैच आप ऐसा जिताओ जो फाइनल हो। अब हम स्टैट्स पे बात करते हैं इस टूर्नामेंट की। गार्डन ग्रीनीज ने अपने 4 मैचों में 253 रन बनाए और वो हाई स्कोरर बने इस टूर्नामेंट के। सेकंड नंबर पर है आपके वेस्टइंडीज़ के साथी खिलाड़ी विव रिचर्ड्स, जिन्होंने 4 मैचों में 217 रन बनाए थे, जिसमें फाइनल में टूर्नामेंट का जो हाई स्कोर था इंडिविजुअल 138 था। इंग्लैंड के ग्राहम गुच टॉप 3 बैट्समैन में शामिल थे। इंग्लैंड के माइक हेनरिक 5 मैच में 10 विकेट लेकर टूर्नामेंट में हाईएस्ट विकेट टेकर बने। ब्रायन मैककेनी, आसिफ इकबाल और क्रिस ओल्ड ने टूर्नामेंट में 9 विकेट लिए और 3रे नंबर पर रहे और यहां पर इस टूर्नामेंट की काफ़ी सफल एंडिंग हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे भारतीय टीम ने कैसे 1983 का वर्ल्ड कप जीता। यहां पे हमने जाना कि वेस्टइंडीज़ का डोमिनेशन कैसा रहा 1979 में। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।